पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। खुदा का वास्ता अब इसको वापस जाने दें, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा। जो पाकिस्तान का भी विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ने के बाद डींगे मारता था कि उसने विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को सही सलामत सौंप कर शांति का परिचय दिया है और कुछ भारत में ही रहने वाले लेकिन पाकिस्तान को अपना बाप मानने वाले इस बात का सबूत मांगते थे कि अभिनंदन को छुड़ाने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है, उनको ये पाकिस्तानी नेता अयाज सादिक का बयान सुनना चाहिए कि कैसे उस रात अभिनंदन को गिरफ्तार करने के बाद पाकिस्तान के मंत्रियों और पाक सेना के जनरल बाजवा के पसीने छूट रहे थे और हाथ पांव कांप रहे थे हिंदुस्तान के हमला करने के डर से, इस डर से कि भारत ने हमले की प्लानिंग बना ली है। देखिए ये वीडियो कि कैसे उस रात विदेश मंत्री कुरैशी ने कहा था कि खुदा के वास्ते अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं तो भारत आज रात 9 बजे हमला कर देगा। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वीडियो में दिख रहा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का एक MP है। आपको बता दें कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद विंग कमांडर अभिनंदन का विमान उस वक्त दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जब वो पाकिस्तानी सीमा के पार एक पाकिस्तानी विमान का पीछा कर रहे थे, जिसके बाद उनके द्वारा दिए गए बयानों को तोड़ मरोड़ कर पाकिस्तानी मीडिया में चलाया गया था। लेकिन अभिनंदन ने बिना डरे पूरी बहादुरी से पाकिस्तानी अधिकारियों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। यह है पाकिस्तानी सरकार और पाक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की औकात, एक अभिनंदन को गिरफ्तार करने से ही इनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है।